Definitely India, everyone is know India. Assalamualaikum, Namaste, Sasriyakal and welcome to all my subscribers and fans. पब्लिक रिएक्शन शो में आपकी होस्ट अलीना तारिक करती है आपको वेलकम। तो मेरी तरफ से और पब्लिक रिएक्शन टीम की तरफ से इंडियंस को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। उम्मीद करती हूँ कि आप ये दिन बहुत अच्छे से गुजारेंगे, अपनों से मेल जोल रखेंगे और मज़ीद खुशियाँ बांटेंगे। तो यहाँ की पब्लिक से पूछते हैं उनका रिएक्शन, तब तक आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये दिन किस तरह से मना रहे हैं। साथ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अस्मा शुएब। मोहम्मद शुएब। मुस्तफ़ा चिश्ती। उमर नाम है मेरा। मोइन हसन। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा मुल्क है या हम साया मुल्क है जो उसके एक दिन बाद ही आज़ाद हो गया? डेफिनेटली इंडिया, एवरीवन इज़ नो इंडिया। इंडिया। साया मुल्क बच्चे को भी पता है कि हिंदुस्तान है। इंडिया। इंडिया। ऑब्वियसली इंडिया। इंडियन के जो के कहते हैं इंडिपेंडेंस, उनका भी साथ है। हमारे 14 अगस्त के बाद उनका 15 अगस्त है, तो उनकी आज़ादी से लेके अब तक की कौन सी ऐसी अचीवमेंट है या कोई पॉलिटिकल लीडर या फिर कोई डेमोक्रेसी या कोई ऐसी स्ट्रेटजी जो आपको पसंद आई हो कि हमें भी अपने मुल्क में ऐसी चीज़ें करनी चाहिए? आई थिंक उनकी इकोनॉमिकली तो कुछ कह नहीं सकते। इकोनॉमीज तो अगर पाकिस्तान में भी कोई अच्छा लीडर आ गया तो वो भी उसकी ग्रोथ कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है। अलबत्त ये है कि एजुकेशन के हवाले से उनकी जो केरला स्टेट है वहाँ पे 100% जो है वो लोग लेटेड पीपल हैं, एजुकेटेड हैं। सो पाकिस्तान को इनिशियली इस चीज़ पे प्रमोट करना चाहिए। ठीक है। आई थिंक जमहूरियत जो है इंडिया में जिस तरह से वो उन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा, दैट आई लाइक दैट। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट थिंग फॉर देम। इतने बड़े सेटअप को वो लेके चल रहे हैं। Otherwise they all indulge in some wars all the time. पाकिस्तान को तो वैसे उनका लीडर कोई भी पसंद नहीं है, क्योंकि उनका वैसे जो सदर है वो मोदी, पाकिस्तान को तो वैसे ही पसंद नहीं। लेकिन उससे पहले भी था, लेकिन मनमोहन सिंह लेकिन उसके हवाले से भी कोई भी लाइक नहीं उसको करता था इतना। लेकिन ये मोदी को दोबारा उन्होंने चांस दिया, इसलिए चांस दिया कि उसने अपने मुल्क को जो है ना थोड़ा सा ऊपर लेके गया है। थोड़ा सा नहीं, बहुत लेके गया, बहुत लेके गया ऊपर। उसकी वजह से उसकी एजुकेशन जो है वो भी हमारे से ऊपर है। अच्छा, और उसके जो मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूँ तो, अगर आप कह रही हैं मनमोहन सिंह ने, उसने इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा उसको इकोनॉमिक्स को ऊपर लेके गया था। उनकी अभी तक का जो वो कहा जाता है ना, एक एवरेज निकाला जाता है एस्टिमेट, उनकी इकोनॉमिक्स को, उनकी जो क्या कहते हैं मईशत को, वो ऊपर लेके गए जी। ये है कि दिन ब दिन उनकी ऊपर गई है तो पाकिस्तान की नीचे आई है, ये भी सोचने की बात है। सोचने की बात है, थोड़ी बहुत वो ज़्यादा यानी कि स्ट्रगल कर लेते हैं ऐसे ही है, प्रैक्टिकल ज़्यादा जी, उसमें आपस में जो है ना इनका है। ठीक है। कि सिंगिंग प्रमोशन बड़ी पसंद है, जो सिंगर जो है, जो इनका म्यूज़िक है वो माशाल्लाह अच्छे लेवल पर प्रमोट करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में भी ऐसा ही होना चाहिए, जो पाकिस्तान के जो सिंगर्स हैं उनको हाई लेवल से लेकर और स्टार्ट से अच्छे लेवल तक प्रमोट करें। मैं आपको बताऊँ कि एक हादिया बच्ची है जिसकी अभी एक वीडियो वायरल है, वो भी तो हमारे प्लेटफॉर्म। हाँ बिल्कुल, लास्ट टाइम एक वीडियो वायरल हुई है, सोनू निगम ने उनका माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। हाशमी है वो बच्ची, देख हमारे भी तो इनिशियल से स्टार्ट किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये कहें कि हम भी स्टार्टिंग से बच्चों को लेके जा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह वो नेस्कैफे बेसमेंट बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। मेरा एक ख्वाब है कि मैं नेस्कैफे के लिए काम करूँ। जो उनके जो उसके प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम, लाइक नो डाउट के वो बहुत एक इंटेलेक्चुअल पर्सन था। उसने बहुत एफर्ट किया अपने मुल्क के लिए, इवन दो उसने अपनी बहुत कुर्बानियाँ दी, लेकिन उसने अपने मुल्क के लिए, जैसे हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर ने किया, उन्होंने बहुत अच्छा किया अपने मुल्क के लिए। बिल्कुल, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने हमारे लिए किया, इसलिए उनके अब्दुल कलाम ने बहुत कुछ किया उनके लिए। नहीं, आप इंडियंस को उनके इंडिपेंडेंस डे पे कैसे विश करेंगे? डेफिनेटली वी विल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और हमारी तरफ से पॉजिटिव ही मैसेज जाना चाहिए कि वी आर द पीसफुल पाकिस्तानी एंड एज ए नेशन पाकिस्तानी मैसेज देंगे कि आप भी पीस के साथ रहें और लोगों के साथ, जो भी आपके नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स रखें, और पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो आना जाना होना चाहिए, आना जाना हो जाए, ट्रेड बहाल हो जाए, आना जाना बॉर्डर के, तो कैसे वार्मली वेलकम करेंगे? सॉरी, कैसे वेलकम करेंगे आप उनकी आवाम को, उनके लोगों को?
अगर वो पाकिस्तान आते हैं? डेफिनेटली इफ दे विल कम इनटू द पाकिस्तान सो वी शुड कोऑपरेट विद द पीपल्स एंड और हमें उनकी चीज़ें को ख़रीदना भी चाहिए और ताकि यहां आती थी उनकी चीज़ें। हाँ जी और हमें उनके साथ कोऑपरेट करना है वो पुरानी चीज़ें जो दुश्मनी वाली हैं या एनिमीज वो वाली चीज़ें नफरत की चीज़ें अंदर से निकाल के उनके साथ पॉजिटिवली हमारे ख्याल से तो यंग जनरेशन को यही सिखाना चाहिए पीस फैलाओ अमन फैलाओ हर चीज़ ये चीज़ें चलनी है आपके अखलाक के साथ। जी डेफिनेटली उनके लिए यही मैसेज दूंगा कि जैसे कि ये बॉर्डर बहाल किया जाए और तजारत में इनको आपस में काम करना चाहिए उसकी वजह से थोड़ी महंगाई भी कम होगी उसके लिए ये इंडिया की जो चीज़ें हैं काफ़ी कम हैं और अच्छी भी हैं और आपस में जो है कि इनको दिल साफ़ रखने चाहिए अपने। आपका साफ? मेरा तो साफ। कितना साफ? ये तो भले ही जानता है इंसान को तो मैं कहूँगा साफ़ है लेकिन दिल के हाल तो कोई भी नहीं जानता। I think we respect everybody, so मैं उनको भी congratulate कहूँगा। पाकिस्तान के तो कलर हैं ग्रीन और वाइट तो इंडिया के ऐसा कौन सा एक्स्ट्रा कलर है? ऑरेंज। बिल्कुल मैसेज दूंगा कि अपने मोदी को फॉलो ना करें जो आप ऐसे क्यों प्राइम मिनिस्टर हैं आपने जो है लाइक ऑलमोस्ट इवन दो 80% हिंदू भी इस चीज़ को समझते हैं कि जो उसकी पॉलिसियाँ हैं वो गलत हैं लेकिन डेवलपमेंट तो उनकी जा रही होगी। नहीं जा रही है जा रही थी जब मोदी का पिछला टेन्योर था अभी जो करंट टेन्योर है कोई डेवलपमेंट नहीं है कोई कुछ नहीं है ये एक फैक्ट है। कैसी लगी ये वीडियो और कैसा लगा ये रिएक्शन कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब वीडियो को लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। हमें दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़।